अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारी क्लास 9 और इसका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो आज का हमारा टॉपिक जो है, ये हमारा टॉपिक नया है क्योंकि हमारा आज यूनिट भी नया है। तो यूनिट 3 जो हम पढ़ रहे थे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वो ख़त्म हो चुका है, तो आज हमारा यूनिट 4 है। तो हमारा 4 यूनिट जो है इसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये हमारा 4th यूनिट जो आज हमने उठाया है। तो आज पहले हम थर्डली इस यूनिट का इंट्रोडक्शन करते हैं कि ये यूनिट जो है ये किसके मुतालिक लिखा गया है, जैसे कि वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सबसे पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा लेसन का वो ऐसा है, डेमोक्रेसी इज Not just about the people electing their rulers. तो so far as our democracy is concerned, हम democracy में इससे पहले election के मुतालिक भी पढ़ते आए और democracy के मुतालिक भी पढ़ते आए, लेकिन democracy जो है ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि election किए जाए और अपने leader चुने जाए, तो इसी तक महदूद ये चीज नहीं है। तो इसके अलावा and democratic setup, rulers need to follow some rules and procedures they have worked within the institution. इसको साथ लेके जो working of institution जो है democracy के अंदर जो democratic setup जो है इसमें जो rulers है, जो political rulers जो होते हैं, इनको कुछ rule follow करने हैं, कुछ procedure follow करने हैं। किसके लिए follow करने हैं? Democracy को ठीक तरीके से चलाने के लिए। और ये जो है ये working within the institution है। इसके अलावा जो ये वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है इस लेसन के मुतालिक ये है, मैजिक डिसीजंस आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड। नेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि इलेक्शन को साथ लेके इसके और भी जो माने हमारे सामने बनते हैं, मैजिक डिसीजन लिए जाते हैं और वो डिसीजन लिए जो जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। और ये सब चीजें जो है ये वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में आती है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में आती है। तो इसके अलावा क्या है, डिस्प्यूट्स रिजॉल्वड, और जो डिस्प्यूट्स होते हैं हमारे उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाता है। तो ये जो काम जो है यही काम जो है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेसी की वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है इनका काम यही होता है, मैजिक डिसीजन लेने, डिसीजन का इंप्लीमेंट करना, इनको रिजॉल्व करना। और इसके अलावा 3 इंस्टीट्यूशंस, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। जैसे कि हमारे पास ये हमारे वर्किंग इंस्टीट्यूशन जो है डेमोक्रेसी के, ये 3 हैं, ये 3 हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है। इन तीनों के क्या है, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो यही है, ऑर्डर, ऑर्डर को बनाना, ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना और इस अपने डेमोक्रेसी जो है इसको मेंटेन करना। इसके अलावा हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हमारे पास गवर्नमेंट है, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, यूनियन गवर्नमेंट है हमारी, या स्टेट गवर्नमेंट है हमारी, तो इसमें इनकी भी क्या है जी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये वर्किंग इंस्टीट्यूशन है, यही लॉ बनाते हैं, यही लॉ में अमेंडमेंट करते हैं, यही लॉ को इंप्लीमेंट भी करते हैं। इसके अलावा जैसे कि एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि इट वॉज 13th of August 1990, यानी 1990 की बात है कि 1990 में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर पास किया। तो एक ऑर्डर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर जो पास किया, इस ऑर्डर में यह कहा गया कि 27% ऑफ कोटा रिजर्वड एंड सिविल पोस्टिस, यानी जो भी लोग जो है वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोग जो हैं उनके लिए 27% कोटा जो होगा सिविल सर्विस में वो रिजर्व रखा जाएगा। तो ये जो मैंने एक आपको एग्जांपल दी, क्योंकि ये हमारे वर्किंग इंस्टीट्यूशन जो है इनमें क्या है कि गवर्नमेंट डिसीजन भी लेती है और इनको इंप्लीमेंट भी करती है और जितने भी हमारे डिस्प्यूट जो होते हैं इनको रिजॉल्व भी किया जाता है। तो ये है हमारा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो ये हमारा जो लेसन है, इसके अलावा 27% दूसरा हमारे पास एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी
शेड्यूल ट्राइब, ये जितने भी डिसीजन हैं ये गवर्नमेंट ने लिए और इनको इम्प्लीमेंट किया गया, ये सब जो हमारे वर्किंग इंस्टीट्यूशन जो है इसी में आते हैं। जैसे हमारी जुडिशरी है, कोर्ट है हमारा, अब किसी की जो प्रॉब्लम्स होती है, ग्रीवेंसेस जो होते हैं, दे गो टू कोर्ट, वो कोर्ट में चले जाते हैं, वहां पे उनकी सुनवाई होती है। या हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडीज है, या हमारी लेजिस्लेचर जो है, वहां पे अमेंडमेंट की जाती है, ऑर्डर बनाए जाते हैं, इंप्लीमेंट किए जाते हैं। दिस ऑल आर कॉल्ड वर्किंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। थैंक यू बेटा, नाइस, इंशाल्लाह कल।